एलएसी पर चीन को कैसे मिली मात, बीबीसी पर चीन ने क्यों लगाया बैन और पाकिस्तान ने किस नई मिसाइल का किया परीक्षण, देखते हैं टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत चीन ने अपनी सेना को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। चीन के टैंक बख्तरबंद वाहन पेंगोंग झील एरिया से वापस लौटते दिख रहे हैं। भारत और चीन के बीच बनी सहमति के बाद सेनाओं ने पीछे हटना शुरू किया है। पूर्वी लद्दाख में करीब 10 महीनों से दोनों देशों के जवान एक दूसरे के सामने तैनात थे। चीन ने उइगर मुसलमान महिलाओं की डॉक्यूमेंट्री दिखाने के बाद बीबीसी वर्ल्ड न्यूज को बैन कर दिया है। चीन ने बीबीसी पर कोरोना वायरस और शिनजियांग को लेकर गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए ये प्रतिबंध लगाया। ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते चीन के चैनल सीजीटीएन पर पाबंदी लगाई थी। ब्रिटेन और चीन में रिश्ते हांगकांग की वजह से पहले से ही खराब हैं। पाकिस्तान ने गुरुवार को सतह से सतह पर मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। पाकिस्तान पिछले 35 दिन में 4 मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है, जहां एक ओर पाकिस्तान शांति का राग अलाप रहा है, वहीं दूसरी ओर लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान में दुनिया भर के देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल कायम करने के लिए अमन 2021 युद्धाभ्यास चल रहा है। इसी में हिस्सा लेने के लिए रूस का नेवी शिप पाकिस्तान के कराची पहुंच गया है। पाक सेना के मुताबिक इस युद्धाभ्यास का मकसद आतंकवाद और समुद्री डकैतियों को रोकना है। दुनिया में बढ़ते भारत के कद और पीएम मोदी की कूटनीति से पाकिस्तान अपनी हद समझने लगा है। पाक एनएसए मोईद यूसुफ ने कहा कि सबके साथ शांतिपूर्ण संबंध ही पीएम इमरान खान का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यूसुफ ने कहा कि बिना शांति के आर्थिक सुरक्षा नहीं आ सकती। इससे पहले खुद इमरान खान बाजवा और शाह महमूद कुरैशी भी शांति की बात कर चुके हैं। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच भारतीय शूरवीरों को ऊंचाई वाले इलाकों में चुनौतियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में चल रही है। एचएडब्ल्यूएस में हर साल करीब 540 जवानों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री शफकत महमूद ने अपने देश में आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद को फैलाने का आरोप कमजोर शिक्षा प्रणाली पर है। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान में चल रहे मदरसा शिक्षा पद्धति को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने अपने सैनिकों को अगवा करने वाले आतंकवादियों को शरण देने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। कुछ दिन पहले ईरान की एलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पाक में एक खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देकर अपने 2 सैनिकों को छुड़ाया था। इनका 2018 में अपहरण किया गया था। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-अदल ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। चीन में चीनियों ने नए साल 2021 का स्वागत किया। इस दौरान जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिली। आतिशबाजी के दौरान लोगों ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। कुछ लोग आतिशबाजी का वीडियो बनाते नजर आए।